नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत लैंप्स मोटा गांव के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तेज सिंह चौहान की अध्यक्ष पद पर रहते हुए समिति के प्रति क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी, हम पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकार समिति मोटा गांव, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है तेज सिंह जी चौहान, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ की जनता ने और किसानों ने उनको अध्यक्ष पद पर चुना है, जो मोटा गांव जो लैंप है उसमें, तो उनसे जानकारी लेंगे कि जैसे यहाँ के किसानों के प्रति उनके क्या विचार है और जो लैंप्स के प्रति उनके क्या विचार है। आइए मिलते हैं तेज सिंह जी चौहान। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने अच्छे वोटों से आपकी लीड हुई है और मान सम्मान दिया आपको, एक चेयरमैन पद का जो ताज पहनाया है, तो इस लैंप्स के अंदर जैसे ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान करवाएंगे और किसानों के प्रति आपके क्या विचार? समस्या तो यही है, खाद की जो खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो खाद उपलब्ध बराबर करवाना, बिल्कुल दवाई बराबर उपलब्ध करवाना जी, और ये फसल बीमा जो बनता है बिल्कुल काश्तकारों को मिलना चाहिए, बिल्कुल फसल बीमा की राशि जो है वो अन्यत्र दी जाती है, सब मिलने में आ रहा है, तो वो भी काश्तकारों को मिलना चाहिए जी जी। तो जैसे अब की बार देखा होगा आपने चेयरमैन साहब की खाद बीज की बहुत बड़ी किल्लत थी, जो बैग अपने लैंप्स में 270 रुपए का यूरिया का है और डीएपी 1350 रुपए की, वो बाहर से किसान ला रहे थे क्योंकि मजबूरी थी उनकी, मजबूरी थी जैसे 2018-1900 और जो 270 रुपए का बैग है वो 400-500 रुपए तक कम है, तो ऐसी समस्या के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा किसानों को लूटे गए प्राइवेट डीलरों के मार्फत से, तो ऐसी अगर आगे क्योंकि अभी आपको यहाँ के किसानों ने चुना, तो आगे आपकी क्या परिवर्तन लाएंगे? खाद की तो विशेष करके लाएंगे खाद की दवाई उपलब्ध करवानी है, कोशिश मेरी यही रहेगी, बिल्कुल अधिकारियों से भी निवेदन यही रहेगा कि आपको खाद ज्यादा ज्यादा लाइसेंस दिलाया जाए, बिल्कुल। मुख्य समस्या ये होती है कभी कभी की जैसे कि प्राइवेट डीलर जो है उनके मतलब होलसेल जो डीलर है, बिल्कुल वो प्राइवेट डीलरों को खाद रोक करके देते हैं, बिल्कुल टाइम पे देते नहीं है, फिर गाड़ी रोक दी, फिर दी, फिर रोक दी, फिर दी, एक एक गाड़ी निकलेगी तो ग्राहक यही समझेंगे फिर खाद आना, बिल्कुल बिल्कुल। और खाद की समस्या लोगों को बनी रहती है, तो खाद को ज्यादा पैसा लेंगे तो भी देकर के बोले काश्तकार लाएगा, क्योंकि उसको अनाज पकाना है, बिल्कुल। इसलिए ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही, बिल्कुल बहुत अच्छा कि जैसे खाद बीज की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए इनका भरपूर सहयोग रहेगा लैंप्स में। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एसटी ऋण की जैसे साक्षी में आए जो 1.5 लाख तक की, तो उसके अंदर जैसे किसानों का भी डीएमआर के हिसाब से किसी को 25,000, 30,000, 20,000, 50,000 रुपये लोन दिया जा रहा है, उसके अंदर क्या है जैसे रबी और खरीफ के अंदर एक फसल में पैसा बढ़ रहा है और एक में घट रहा है, एक में घट रहा है, तो घट रहा है ना, उस समय क्या है चेयरमैन साहब, जैसे कई किसान ऐसे हैं जो जिसके घट रहे हैं वो 2,000-4,000 रुपए के लैंप्स में जमा कराने हैं, तो वो किसान फिंगर लगाने नहीं आते वहाँ पे, फिर वो ओल्डी हो जाते हैं, ओल्डी होने के बाद उसमें वो जो पैसा है वो समिति के वो माथे पड़ता है और समिति उससे ग्रोथ में भी जाती है, तो इसके लिए आपके क्या प्रयास है? इसमें ये चक्कर है खास के लिमिट जो बना रखी है, बिल्कुल उन्होंने खरीफ फसल की लिमिट जो है वो कम ज्यादा बना रखी है, बिल्कुल, जबकि रबी फसल की लिमिट जो है उनको ज्यादा होनी चाहिए और खरीद में कम होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो रबी फसल की अगर लिमिट ज्यादा बनती है, क्योंकि विशेष करके खाद और पैसों की जरूरत जो है वो रबी फसल रबी के अंदर ही ज्यादा लोगों को जो आवश्यकता पड़ रही है, इसमें ये कि प्रॉपर्टी बैंक एमडी साहब से निवेदन करेंगे, बिल्कुल कि आप कुछ कुछ इसका उपाय करके और इसको रबी की फसल में जो लिमिट है वो बढ़ेगा जी। तो जैसे चेयरमैन साहब अपन बात करते हैं कि अभी जैसे एक लैंप्स की बात करें तो लैंप्स के अंदर क्या है, आज किसानों का जो हिस्सा राशि का पैसा है वो कट रहा है, तो वो ओरिजिनलिटी तो ये है कि जो लैंप्स का पैसा है जो लैंप्स के मार्फत से आप किसानों से काट रहे हैं हिस्सा राशि का पैसा, वो लैंप्स में होगा, लैंप्स अकाउंट में, और आज वो पैसा सीसीबी में पड़ा है और लैंप्स में अगर वो पैसा हो तो उससे मान लो जो व्यवस्थापक है उन वो खाद बीज की व्यवस्था कर सकते हैं, वो पैसा एडजस्टमेंट करके उससे बिजनेस भी कर सकते हैं, तो वो पैसा आज सभी सीसीबी में पड़ा, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा तो यही है सर कि एमडी साहब से बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये इसका राशि जो है वो कुछ परसेंट जो है बैंक लेना जो
जैसे लैंड का लोन है बिल्कुल उसके हिसाब से ही आप हिस्सा राशि लें, बाकी हिस्सा राशि जो है वो या तो एफडी कर दी जाए जी ताकि संस्था को ब्याज मिलता रहे, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर उसको सेविंग में डाला जाए तो भी ब्याज मिलता रहे। ऐसा कुछ कुछ एमडी साहब से बात करके बिल्कुल निवेदन करेंगे एमडी साहब से और उसका समाधान। और जैसे इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस का पैसा है जो भी प्रत्येक किसान से काटा जा रहा है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का है और फसल बीमे का है, तो उसमें भी कई जगह कंडीशन ऐसी आती है देखने को, फसल का नुकसान भी हो रहा है और उनको आपदा अनुदान का जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा समय पर, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि आपको यहाँ के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है, तो आपके नीचे जो किसान जुड़े हुए हैं वो आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और आपने अभी यहाँ चुनाव लड़ने से पहले भी लोगों से वादे किए हैं, तो उन पे आपको खरा उतरना होगा, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? कोशिश मेरी यही रहेगी जी, बीमा की राशि है वो काश्तकार वसूल करते हैं, बिल्कुल बीमा कंपनी को भी फर्ज बनना चाहिए, जब जब भी ऐसी स्थिति आती है खराबे की बिल्कुल, तो फसल बीमा करते क्यों है, इसीलिए तो करते हैं बिल्कुल, कि फसल खराब हो जाए तो उसको वापस पैसा मिले, बिल्कुल तो उसको मिलना चाहिए। काश्तकार का हक का पैसा ऑनलाइन अकाउंट है, ऑनलाइन अकाउंट में ही जमा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल ये निवेदन करेंगे। तो और भी जैसे कोई समस्या है जैसे किसानों की, वो भी आप बता सकते हैं, और जैसे किसानों के लिए सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है तो उनको जन जन तक पहुंचाने का आपका मुख्य काम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सब रहेगा, मुख्य काम। तो ये थी जैसे अभी चेयरमैन साहब बात करते हैं कि होली की, तो होली का पावन पर्व आ रहा है कि हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा, तो उसके लिए आप अपने ग्रामवासियों को क्षेत्र की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सबकी यही शुभकामना रहे, सब स्वस्थ रहे, बिल्कुल, और काश्तकारों को भी कम से कम अच्छा फायदा मिलना चाहिए, बिल्कुल फसल भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, उसी का आधार पर काश्तकार बैठे हुए, बस यही मेरी कामना है। बहुत ही अच्छा, तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब।